डायरी है जिसपे इन्होंने कुछ सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। जी सुमित ठाकुर भाई साहब रेडी हो? ओके ओके। मिला जो तू यहाँ मुझे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों वंस अगेन एक मर्तबा फिर मैं मौजूद हूँ अपने गांव के खेतों में। तो आज मैं अपने दोस्त के साथ आया हुआ हूँ जो कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि ये एक सिंगर हैं। तो इस बेस पे आज हम इस दोस्त से कुछ गाने सुनेंगे जो कि आप लोगों को ये सुनाएंगे, अपनी प्यारी सी आवाज़ आप लोगों को सुनाएंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो जी हेलो दोस्तों, माय नेम इज मिस्टर सुमित ठाकुर। सुमित ठाकुर, सुमित ठाकुर, तो क्या करते हैं आप? बेसिकली स्टडी करता हूँ, ऐसे शौक है थोड़ा बहुत सिंगिंग का। तो आज भाई ने बोला कि चलो यार सिंगिंग करते हैं, मैंने कहा चलो ओके हो गया। अच्छा, कौन सी शर्मा ने? मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? टेंथ में। टेंथ क्लियर होगी अभी रहती है? क्लियर करने वाला हूँ। अच्छा, क्लियर करनी है अभी। अच्छा सही, तो आज कौन कौन से गाने सुनाने वाले हैं आप हमें? जो आप कहेंगे। अच्छा वैसे तो गाइस ये देखें, जो भाई की है प्रॉपर एक बुक है यानी कि डायरी है जिसपे इन्होंने कुछ सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को चलते हैं कुछ खेतों का माहौल दिखा देते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सीन है, आपके सामने आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो हवा चल रही ठंडी ठंडी, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना खेतों की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुकून से भाई से गाना सुनेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत प्यारा मौसम है और यहाँ पर अभी हम जो बैठे हैं ये एक आम का पेड़ है, तो उसके नीचे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक यहाँ पर चारपाई है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में मंजी बोलते हैं। तो ये चारपाई है, इस पर बैठ कर जो है भाई से गाना सुनेंगे। और यहाँ पर देखें ये गिलहरी है जो कि पता नहीं क्या खा रही है, तो मतलब ये भी हमारे साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हुई है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस जगह पर हम पहले भी आए हुए थे जो कि आप देख सकते हैं, एक व्लॉग मैंने बनाया था जो कि मेरा इस वक्त वायरल हो रहा है वो व्लॉग, और उस व्लॉग का नाम है हिंदू बॉयज़ इन लाइफ, जो कि काफ़ी अच्छा व्लॉग बना था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्लॉग अच्छा बना था। तो चलो चलते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को गाने सुनाते हैं। जी सुमित ठाकुर भाई साहब रेडी हो? ओके ओके। तो चलो सबसे पहले हमें खोल के दिखाएंगे कौन कौन से गाने लिखे हुए हैं आपने यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखें, ये डायरी है। हाँ तो ये देखें, अभी मुझ में कहीं, जो कि सोनू निगम का सॉन्ग है। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, उदित नारायण का सॉन्ग है। तुम ही आना जुबिन नौटियाल, जो कि मेरा फेवरेट सिंगर है। और ये खुदार मोहब्बत, खुदार मोहब्बत राहत फतेह अली खान, सही है। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, तो मतलब डिफरेंट गाने यहाँ पर लिखे हुए हैं। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 15 यानी कि 15 सॉन्ग यहाँ पर आपने लिखे हुए हैं, और यहाँ पर पेज के नाम भी लिखे गए हैं कि कौन से पेज पर कौन सा गाना आता है। तो इस तरह से सारी डिटेलिंग से यानी कि इन्होंने लिखा हुआ है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, यानी कि ये भी जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है। वाह, तुम ही आना, ये भी जुबिन नौटियाल का है। तो ठीक है, थोड़ी जगह दे दे मुझे अरिजीत सिंह, सही है। तो ये तीन गाने हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं, तुम ही आना जुबिन नौटियाल, और थोड़ी सी जगह दे दे मुझे अरिजीत सिंह, और दूसरा कौन सा था ये, हाँ बेवफा तेरा मासूम चेहरा जुबिन नौटियाल। तीन गाने हम सुनेंगे भाई से। तो चलो चलते हैं, भाई को कहते हैं कि वो रेडी हो हमें गाना सुनाने के लिए। तो जी भाई रेडी हो आप? ओके आई एम रेडी। तेरा दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं हो के तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ना एक हॉल बनाया हुआ है इन्होंने, तो जो कि सामने गेट लगा हुआ है, अभी भाई ने जो है सुमित ने अभी दरवाज़ा खोला है, तो हम सोच रहे हैं कि अंदर बैठ के ना इसके, तो हम भाई से गाने सुनेंगे, तो अंदर चलते हैं। तो ये देखें
ये एक छोटा सा रूम भी बनाया हुआ है इन्होंने अपने अपने लिए। यहाँ पर मतलब कि इनके खेत वगैरह भी हैं, तो वो खेती बाड़ी वगैरह करते रहते हैं, तो इस वजह से ये एक हॉल इन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर कभी कभी आकर ये बैठते हैं, तो इस स्पेस पे ये बनाया है। तो ये देखें, तो दोस्तों हम जो है यानी कि इस रूम के अंदर यहाँ पर भाई जो है हमें गाना सुनाएंगे, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों वैसे तो भाई का काफ़ी शौक है सिंगिंग के अंदर, तो मतलब पहले साल दो साल पहले की बात है काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग गाते थे, वॉइस भी अच्छी थी। अभी स्टडी में बिजी होने की वजह से इन्होंने गाने गाना छोड़ दिए हैं, तो अभी लिखे हुए हैं, तो मतलब प्रॉपर इनको सॉन्ग अभी याद नहीं है, तो इस स्पेस पे ये साथ ही ये डायरी लेकर आ गए हैं, तो इसलिए तो स्टार्ट करें। कौन सा है गाना? थोड़ी जगह दे दे, थोड़ी जगह दे दे मुझे, अरिजीत सिंह का है। चलो स्टार्ट करो। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुन और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा बस इतना चाहता हूँ मैं, दिल लगा भी लिया इश्क भी कर चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पर मैं चल रहा था जिसकी कोई भी मंजिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा सॉन्ग सुन गए, तो दोस्तों आप भी बताएंगे कमेंट करके कि आपको हमारे सुमित भाई की वॉइस कैसी लगी, इनकी आवाज़ कैसी है और इनके गाने का स्टाइल जो वो कैसा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेले बनाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ। जबरदस्त था, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? ऑडियंस बस यही है कि अगर पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर इंसान मेहनत तो करता है मगर देखने वाले भी पसंद करें ना, हम तो करेंगे मेहनत, आप भी लोग पसंद करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली हमारे दोस्त ने गाने सुना दिए हैं, आपको कैसे लगे हैं मुझे नहीं पता, वो आप कमेंट करके लाजमी बताएंगे कि आपको कैसे लगे हैं। बाकी ये हमारे दोस्त काफी दिनों से पहले भी गाने गा रहे थे, हमें सुना रहे थे। एक मरतबा ना हम किसी के बारात में जा रहे थे, तो बस के अंदर ना इन्होंने एक भजन सुनाया था, तो वो भी बहुत प्यारा था, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी इनसे सुनेंगे। तो उस बेस पे मैंने उनको फर्स्ट टाइम इनको सुना था, उनकी वॉइस सुनी थी, तो मैंने कहा चलो किसी दिन आपको भी व्लॉग में कैप्चर करेंगे और बहुत सारे हजारों लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि हमें देखते रहते हैं, जो हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना प्यार दिखाते रहते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी वॉइस भी उनके साथ हम शेयर करेंगे, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इस वक्त हम इस जिस हाल में खड़े हैं, ये हाल इन्होंने बनाया हुआ है। ये हाल किसका है? ये अपने ही है। अच्छा, बनाया हुआ है सामान वगैरह रखने के लिए, खेती बाड़ी। तो मतलब दोस्तों काफी बड़ा है, ये देखें बाहर अगर हम आ जाएं तो ये देखें वो काफी दूर तक जा रहा है, वो वहां तक बहुत बड़ा है, काफी लंबा है। तो ये सामने क्या बना हुआ है? सामने पानी के लिए डिक्की होती है।
अच्छा, पानी की एक बहुत बड़ी यानी कि टैंकी बनाई हुई है। तो चलो चलते हैं, इसको भी विजिट कर लेते हैं, देखते हैं पानी है या खाली है। खाली है फिलहाल तो, अभी खाली है, अभी खाली है। चलो देख लेते हैं फिर भी। तो ये देखें, यहाँ पर दो पिलर्स बने हुए हैं। ये किस लिए बनाए थे, ये पिलर किस लिए बनाए थे दोनों? यहाँ पर छपरा होता था। अच्छा सही, जो कि टूट चुका है ये वाला। हाँ ये टूट चुका है। अच्छा सही, बारिशें वगैरह। हाँ बारिशों की वजह से टूट गया था। सही है। तो ये रहा पानी का टैंक। यहाँ से जो है पैर रख के हम चढ़ने की कोशिश करते हैं। ओह सही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वैसे। सही है, पानी को स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। पानी अभी खड़ा है, बहुत गंदा पानी है और ख़राब हो चुका है, काफ़ी दिनों का खड़ा हुआ है आई थिंक। बारिश हो गया, बारिश जो हुई थी ना उसका पानी खड़ा। हाँ वही, बारिश का पानी इसके अंदर खड़ा हो गया है, जमा है। तो बाकी वैसे काफ़ी बड़ा हाल है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो है हम बाहर आ चुके हैं हॉल से, तो यानी कि वो रहा पीछे जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसी हॉल में गए थे और अभी वहाँ से वापस आए हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हॉल के अंदर गए थे ना, वहाँ पर धूप थी तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी गर्मी है। तो इसलिए अभी हम जस्ट इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे भाई की आवाज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सभी के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी फ़िलहाल अभी के लिए आप लोग इजाज़त दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस भाई की वॉइस सुनी, हमारे इस वीडियो को देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।